पे भी घूम जाती है और आपके साथ ऐसा ना हो। और तो आपका स्वागत है मैसूर पैलेस। इसको फोबिया है थोड़ा रेप्टाइल से। वो देखो, और यहाँ लड़ाई हो गई म्यूजियम के अंदर। हेलो अमेजिंग पीपल, वेलकम बैक टू डे 6। तो यार ये था हमारा आज मैसूर का रात का स्टे और आज चालू हो चुकी है मैसूर की जर्नी, है ना तारा? और अभी हम एक बार वो देखेंगे लिस्ट की कहाँ कहाँ जाना है। उनमें से एक मैं जिसके लिए एक्साइटेड हुए हैं दो चीज़ें, मैसूर पैलेस एंड चामुंडी हिल्स। तो देखते हैं। वी आर हेयर एट मधुर टिफिन एंड अभी वी हैव ऑर्डर्ड मसाला डोसा, प्लेन डोसा एंड टी, बिकॉज हमारी बस आने वाली है 9:00 और 9:00 हो चुके हैं। सो वी आर रनिंग लेट, तो हम फटाफट खाने वाले हैं। 9 बजे ही बस आनी है। यस, सो हम फटाफट खाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। और आज का दिन बहुत एक्टिव होने वाला है और इंटरेस्टिंग और एक्साइटमेंट से भरा होने वाला है। आर ऑर्डर्स प्लेन डोसा एंड हम बिल्कुल रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए क्योंकि जिस स्पीड से भागे हम, 9 बजे हमें बस में बैठना था, 9 बजे हम खाना खाने को जो मदुरई टिफिन है जो भी जगह थी तो वहाँ पहुँचे थे। तो हमने फटाफट डोसा, और डोसा मैसूर डोसा भाई सही में बहुत अलग था। अगर आपने शेप देखी हो तो उससे पता लग गया होगा, बट अंदर से भी बहुत बढ़िया था, बहुत टेस्टी था, टेस्टी था। फिर हम जब फटाफट ढूंढ रहे थे तो इनका फ़ोन आया कि आप कहाँ पर हो, ये गणेश पेट्रोल पंप पे वहाँ पे आना था। तो फटाफट हम बोला कि बस आ गए हैं, तो फटाफट रोल बना करके कैसे ठूस करके चाय से हमने उसको बोलते पूरा एंगल्स कर रहे थे। और फिर भागते भागते आओ, फिर भैया का फ़ोन नहीं मिल रहा, फिर ये लेकिन ना दूसरे फ़ोन पर बात करके दूसरा दूर से इशारा कर रहे थे, इनको पता लग गया शायद हम ही इतने बैग के साथ, तो हम ही होंगे जो घूमने आए। क्या था ना, तुमने किस तरह से ठूस लिया इतनी जल्दी? तुमको दे दिया था। अब हम वही है ना, डस्टबिन टाइप कर लो, जो भी नहीं आ रहा लो खा लो फटाफट। तो अभी हम आ चुके हैं जगनमोहन पैलेस और एंट्री फीस वगैरह सब हमने अपने गार्ड को या गाइड को पे कर दिया, जिससे कि हमारे को सब जगह लाइन में ना लगना पड़े। और 50 रुपये उसने अपने सर्विस चार्ज लिया, तो ठीक है क्योंकि भीड़ से बच जाएंगे हम। दिस इज़ जगनमोहन पैलेस और अभी जस्ट हमारी एंट्री होने वाली है। एंड चल चल। यस तारा, यस तारा, Why so low energy today? But I want to say that temperature में बहुत difference है। ऊटी में बहुत ठंड थी, यहाँ गर्मी है। तो अभी वो हम temperature में भी वो होता है ना, acclimatize कर रहे हैं खुद को, तो it will take time। और मैंने तारा को बोला ही था, तारा मुझसे बोली भानु देखना तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी वहाँ पे भी, वो भी मैसूर है, हाई पे होता है। मैंने बोला भाई 7,000 feet और 2,000 feet में फर्क होने का। तारा हिस्टोरिकल प्लेस हाँ, और यहाँ लड़ाई हो गई म्यूजियम के अंदर, बट ठीक है हम अपना देखते हैं। ये क्या चीज़ है यार? ये है फ्रेंच म्यूजिकल कैलेंडर क्लॉक, टाइप ऑफ बुद्ध कार्व ऑन आइवरी टस्क। तो ये हमारे सामने हैं कृष्ण राज वडियार 4 और इनके पिताजी महाराजा कृष्ण राज वडियार 3। एक एज पर दिस थिंग इस बहुत ज़्यादा वो पैशनेट थे मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बोर्ड गेम्स के लिए, तो उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बनाई थी जिनमें से कि ये आई गेस, और ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि उन्होंने बनाई, क्लॉक विद द फिगर ऑफ अ फेरी। ओके, एंड इसके ऊपर डिटेल्स नहीं है बट अच्छा लग रहा है। ये एक तरह का क्लॉक है जहाँ पर लिखा हुआ है कि एवरी ड्रम बीट इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ अ सेकंड, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी मेरे को कि 4th पॉइंट, एवरी आर अ फ्यू सेकंड्स आफ्टर द गोंग स्ट्राइक्स द सोल्जर्स मार्च फाउंड अकंपनीड बाय सॉफ्ट म्यूजिक। मशहूर इम्पोर्ट तरसी मशहूर बहुत फेमस है दशहरा सेलिब्रेशन के लिए। एंड सी दिस, महाराजा श्री चमराज वडियार जो कि 1881 से 1894 में रहे हैं, उनका दशहरा प्रोसेशन का दिखाया जा रहा है। सी है ना,
ये हमारा वो मैसूर पैलेस हो गया और प्रोसेशन चल रहा है यहाँ पे जो कि हर साल होता है अभी भी। तो ये मैसूर डायनेस्टी के सारे रूलर्स के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। शुरुआत ऑब्वियसली हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट भारतीय स्थान पर मंदिर भगवान की मूर्ति जो होती है उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे डायनेस्टी दिखाई हुई है एंड मेन इज कृष्णराज वदियार III जो सेंटर में है। तो ये पूरा मुझे लग रहा है जगमोहन पैलेस है ना तारे, शायद जगमोहन पैलेस अभी नाम देख के बता देंगे, बट हर जगह सिर्फ और सिर्फ कृष्णराज वोडियार जी की ही हमें स्टैचूज और प्रतिमाएं दिख रही हैं। तो इनके बारे में हिस्ट्री में मैं पढ़ूंगा, शायद बहुत ही फेमस फिगर रहे होंगे तभी मैसूर पैलेस के, शायद मैसूर में इनका नाम सबसे ज़्यादा इसलिए फेमस है। जस्ट मोस्ट रिसेंट शायद महाराज और इनके अभी इनके बेटे भी अभी हाँ इनके बेटे भी अभी ये मोस्ट रिसेंट महाराज की शायद फ़ोटो यहाँ पे लगी और इनके बेटे अभी राजा होंगे। इनका नाम है श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वडियार 1953 से 2013। एंड ये है जो रूलर्स ऑफ मैसूर डायनेस्टी फ्रॉम 1399 AD टू 1974 और ये इनके नेम्स दिए हुए हैं जो कि राजा हुआ करते थे। और यहाँ पर आप देखो इनके सारे पिक्चर्स लगे हुए हैं। सो दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। द क्लोथ्स एंड देयर थिंग्स इनका टाइमिंग भी मेंशन करना चाहिए क्योंकि आई डोंट थिंक कि 1800 में इतनी बढ़िया वाली वॉच हुआ करता था, नहीं बट मुझे लगता है ना इतनी बढ़िया वॉच हुआ करती होगी। सी सोने के लिए वो क्या बोलते हैं आई कवर या वट एवर दैट, वो मैं अभी भी मुझे चाहिए बट अभी नहीं ले रखा, उन्होंने उस टाइम पे ले रखा था। टीपू सुल्तान कैनन और ये बाबरी पाउडर यूज बाय टीपू सुल्तान। सो दिस इज वेरी नाइस पैलेस नो विद ब्यूटीफुल आर्ट गैलरी। सो दिस वॉज दी जगन मोहन पैलेस। काफ़ी अच्छी हिस्टोरिकल चीज़ें इसमें दे रखी थी। एक चीज़ जो कि पिक्चर्स वगैरह देख के भी मुझे रियलाइज़ हुई कि जो पोर्ट्रेट में ब्रिटिशर्स को जिस तरह से दिखा रखा है, हालांकि स्वैग में है वो लोग, तो गाइज आज से जैसे नवरात्रि शुरू है तो मैसूर इज जस्ट फेमस फॉर इट्स लाइटिंग, सो वी आर होपिंग कि शाम में बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे क्योंकि पूरे मैसूर में लाइटिंग बहुत अच्छी होती है और जो पैलेसेस वगैरह हैं उनको बहुत ही अच्छे लाइटिंग से सजाया जाता है। सो वी आर जस्ट सो दिस इज कावेरी सिल्क एम्पोरियम। एक फीट बताए थे
राजेंद्र जूलॉजिकल पार्क, मेरा गला खराब है तो आज शांत तारा करेगी। सो वी आर जस्ट एंटरिंग द ज़ू अभी, ठीक है। मैंने भानु को अभी स्वेलिंग खाने को दिया क्योंकि इसके गले में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज ये बहुत चिल्ला रहा था। तो अब देखा, अब ये बोल रही है तो अपना कुछ भी बोलेगी। मेरा गला इसलिए खराब हुआ है क्योंकि टायर्डनेस, इधर ट्रैवलिंग कुछ नहीं था इसलिए गला खराब हो गया। Ticket for two people for zoo entrance. और हमने अपने, जैसे पुनीत भाई साहब बोलते हैं ना, पुनीत सुपरस्टार, हमने अपने बंदों को काम पे लगा दिया तो टिकट हमें तुरंत मिल गई। आओ भाई इनको दिखाओ यार, पूरे जानवर वगैरह दिखाओ, कोई खतरनाक है ना हमारी चिंता को। Now we are entering zoo. ये देखो अपनी जनता को दिखाओ, लंबी गर्दन वाले। और अभी ये कह रहे थे कि नकली है वो, मैंने वो हिल रहे हैं भाई वो, क्योंकि तुम एक्टिंग ही कर रहे हो तब से। तुम भी ओवर एक्टिंग करता। नहीं मुझे लग रहा है, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। भानु का गला बहुत खराब है गाइस, वो बोल ही नहीं पा रहा बिल्कुल। और आज पूरा दिन इसने मुझे बोला कि ये बोलेगा ही नहीं। फॉलोइंग का पूरा बंडल लेके चले हैं, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। और ये और ये ना और बंडल ये नहीं लेके चले हैं, बंडल हम लेके चले हैं, ऑल द मेडिसिंस एंड एवरीथिंग इज जस्ट विद मी ओनली। भैया सारा क्रेडिट तुम ही ले लो, विटामिन सी की गोली, विटामिन ई की गोली, मल्टीविटामिन सब मैंने रखा है। इनके पास यही है और कुछ नहीं है। हमारे साथ है ना, ये कहीं पे भी घूम जाती है और आपके साथ ऐसा ना हो, और आपके साथ ऐसा ना हो, आपके साथ ऐसा ना हो तो ये पूरा मैसूर जू का मैप है, आप ये देख सकते हो। और थोड़े से टेक सेवी हो तो ये जू का मैप आप स्कैन कर सकते हो और आप इजीली जहाँ पे भी ए लिखा है वहाँ पर आपकी लोकेशन है और आप घूम सकते हो। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको पूरा जू दिखाया जाएगा, पूरे खतरनाक जानवर। यहाँ पर है पीकॉक। अब पीकॉक आप लोग हमारे दर्शक क्या ही देखोगे, आपको पूरे बड़े बड़े, यार इनको वो दिखाओ यार, बड़े वाले खतरनाक जानवर दिखाओ यार इनको। हाँ, वो हाथी चीता, हाथी चीता वगैरह देकर लेकर के आओ इनके लिए। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मैं जूम करके दिखाता हूँ। और ये ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि बनाना लेके भाग गई है तारा। वो देखो अपने वो फैला रही है ये, वो देखो कितनी बड़ी, ओ माय गॉड, बनाना लेके भाग गई यार ये। तारा इधर आओ जरा, तुम बनाना लेके कहाँ चली गई, तुम बनाना लेके कहाँ चली गई हो। तो ये था ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। और So now is the Indian blue pea fowl and here it is. And इसका शायद male version ये रहा है ना, बेचारा अलग से पड़ा हुआ है। नहीं नहीं male नहीं, वो female है बे, ये male है, इनमें तो males को effort करना पड़ता था ना सजने सवरने का, है दादा देख लो। तो तुम अगले जन्म में जब ये बनोगे ना peacock pea fowl तो तुम्हें कुछ नहीं करना हम लोगों कर रही हो। थोड़े बड़े जानवर दिखाओ इनको, भेड़ चीता वगैरह भालू। सीरियसली जो यहाँ पे बर्ड्स हैं, हमने दिल्ली वाला जू भी देखा है पर यहाँ के जो बर्ड्स हैं वो बहुत डिफरेंट है। I don't wanna defame दिल्ली जू, but हाँ ये बहुत अच्छा है। हाँ मतलब यहाँ गर्मी भी नहीं है तो आ जाए घूमने में, क्योंकि दिल्ली जू में तो बहुत गर्मी हो जाती है तो हमेशा हालत खराब होती है। सामने देखो। So now we are going towards bigger animals. Run. I think this is white tiger, ना? वहाँ पे चल के देखते हैं क्या ये। आ जो। ये रहा बिल्कुल सेंटर ऑफ द फ्रेम में देखिए, ये रहा बिल्कुल एंडेंजर्ड है ये वाला भी। और लाइफ स्पैन इनका 15 से 20 साल। और ये मिलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो को ये ईस्टर्न साइड पर और वेस्टर्न घाट में मिलते हैं। जंगल का राजा शेर। ओ भाई पहली बार देखा कहाँ? सामने ये देखो ओ भाई। एशियाटिक लायन, पैंथेरा लियो, पैंथेरा स्पीशीज एंड लियो इज, और जिस में इसकी लाइनस क्योंकि इसके बाल देखो।
उठ जाओ प्लीज, थोड़ा सा इधर देख लो। एक एक दहाड़ मारेगी ना भी। बस आना मत है? आना मत, उधर से देख लो। Bye. देखो एक्चुअली ना देखो शेर शेरनी को देख रहा है, शेरनी शेर को देख रही है, क्योंकि इन दोनों को ये जंगल वालों ने ये बीच में बाड़ लगा रखी है। एक सेम फैमिली के बंदे हैं। हाँ, उसने भी इधर मुंह किया और इसने भी उधर ही। और अब हम ये सब देखने वाले हैं, लॉयन टेल मकाओ एंड शिम्पांजेस, गोरिल्ला, गबन। थक गया है लड़का, फिर से थक गया है। आओ जल्दी, आओ जल्दी। और इस ऑफ होमो सेपियंस हाउ वी हैव इवॉल्व। अच्छा, इसमें एक चीज है, गोरिल्ला से हम 8 मिलियन ईयर्स अगो अलग हुए थे, मतलब कि हमारा बाइफर्केशन हुआ था एक तरह से हमारी फैमिलीज का। फिर चिंपैंजी 6 मिलियन ईयर्स अगो। अब बीच का क्या है वो कुछ आइडिया नहीं है। और गिबन जो तारा बोल रहे थे उसे तो बहुत पहले 22 मिलियन ईयर्स अगो, और मिलियन ईयर्स अगो को मिया भी बोलते हैं। दे आर रामाफिकस एंड डायफिकस, और उसके बाद जो बायफर्केशन हुआ था, और उसके बाद वी बिकेम होमो सेपियंस। ओहो, वाओ वाओ वाओ। यार ये वाले बंदर तो मैंने वहां देखे हैं, क्या बोलते हैं, डिस्कवरी चैनल पे। वो बड़ा वाला बैठा देखो, ये क्या मैसूर एंबेसडर अब। अच्छा, मतलब ये आफ्टर चिंपांजी दे आर द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव। दिस इज व्हाई दे वर अट्रैक्टेड शॉर्ट फॉर्म्स व्हिच आई वाज टेलिंग अबाउट, दैट एलसी इज लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटेंड इन द वाइल्ड एंड एक्सटेंड, जो कि खत्म हो चुका है। एंड ये बस इन सब का थ्रेड बना हुआ है थ्रू आउट वर्ल्ड। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू टॉक अबाउट, बिकॉज डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेचर। 17% ऑफ गोरिल्ला पॉपुलेशन ओनली लिव इन द प्रोटेक्टेड रीजंस, बाकी सारे डेंजरस एरिया में रहते हैं। ना मुझे ना बच्चों की तरह ट्रीट कर रही, बोल रही कि चलो चलो चल ले लेकर के, जबकि मैं आया हूँ। फिर ओह माय गॉड, दैट्स द अफ्रीकन हंटिंग चीता। और इसके लिए देख रहे हो ये फेंसिंग कितनी ऊंची कर रखी है, और साथ में यहाँ पे ग्लास वगैरह भी, क्योंकि छलांग वगैरह मार के जा सकता है हंट करने हमें। बोरा 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 सेंटर में। ओ भाई कितना बड़ा लग रहा है तारा। सो दैट्स द ज़ेब्रा, और ये अफ्रीका में, जैसा कि मैं आपको देख रहा हूँ, अफ्रीका में मिलता है। एंड हियर इट इज, लेट मी ज़ूम इन। तो दैट सी ओरांगुटन। हाँ नहीं, वो रहा ना सामने देखो, ये देखो ये रहा, रेस्ट कर रहे हैं अभी। हाँ, तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है इसका हाउस है तारा। हेलो हेलो, ऐसे होना चाहिए, खेलते कूदते रहो जिंदगी। हाँ, और ऐसे फिरते रहो। सो दैट्स द स्लॉथ बियर, जो कि बेयर गिल्स में हमने देखा होगा कि एक तो वैसे लेजी होते हैं, लेकिन भाई बहुत खतरनाक भी होते हैं। सो दैट्स द इंडियन ग्रे वुल्फ एंड दिस इज इंडियन तारा। हेलो, सो इट वाज स्पॉटेड डियर। जीके क्वेश्चन फॉर यू, यहाँ पे दो चीजें हैं, एशियाटिक एलिफेंट एंड अफ्रीकन एलिफेंट। तो योर क्वेश्चन इज, इनमें से कौन ज्यादा ह्यूज और बड़ा होता है? ह्यूज एंड बिग इज दैट अफ्रीकन एलिफेंट। इसके बाद मुझे क्या बोलना है? स्टार्ट करो। मेरे को तारा को ढूंढना पड़ता है, भग जाती है आगे, ये रही आगे। ओ लुक एट दिस ह्यूज बाइसन। बताओ ये इंडियन एलिफेंट है कि अफ्रीकन है? गलत जवाब, ये एशियाटिक एलिफेंट है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ एशियाटिक, कहाँ है वो सामने लिखा, देखो बोर्ड पे एशियाटिक एलिफेंट। और एक और चीज़, ये एशियाटिक इसलिए भी है
क्योंकि जो तुम बड़े बोल रहे हो ना, बड़े कान एक्चुअल में होते हैं अफ्रीकन के, बट इसके उतने बड़े नहीं है, इसके छोटे छोटे कान है। ये देखो अफ्रीकन एलिफेंट, उसके ईयर्स बहुत बड़े होते हैं। हाँ, ये बाइसन तो दिखा दिया, बट अभी अफ्रीकन एलिफेंट देखना है। एशियन एलिफेंट है और ये वाला अफ्रीकन है, तभी इन दोनों के बीच में कर रखा कि आप मारना देखो। ओ भाई साहब, इसके टस्क देख रहे हो, टस्क कितने बड़े टस्क हैं। फन फैक्ट्स, सो दीज आर दी फन फैक्ट्स अबाउट दी एलिफेंट। मुझे सबसे ज़्यादा फनी जो है फोर पॉइंट लगा, एलिफेंट्स हैव क्रिएटेड देयर ओन सनस्क्रीन। तो जब वो पानी में नहाते हैं उसके बाद वो अपने ऊपर मिट्टी डाल लेते हैं, जिससे कि वो हॉट, जिससे कि वो अपने आप को सन की रेज से बचा सके। और एशियाटिक ब्लैक बियर, लेकिन कितना बूढ़ा हो गया बेचारा ये वाला। लेकिन मेरे कंपैरिजन में देखो जरा, बूढ़ा हो चुका है, तू बूढ़ी हो गई। मेरे कंपैरिजन में देखो कितना बड़ा लग रहा है वो, देखो। हेलो हेलो, सलामी दे रहा है मुझे। देखो मैंने बोला था ना इधर आ जाएगा तो आ गया। हेलो हेलो हेलो, तू आ गया क्या? सो दिस इज द कैंटीन। अभी हम थोड़ा लेट हो रहे हैं, 12:30 तक हमें बोला था कि पहुंचने के लिए, तो 15 मिनट बचे हैं और बहुत दूर अभी ट्रैवल करना है लगभग, तो फटाफट चलते बाहर। जो स्नेक है वो अपनी स्किन को शेड करते हैं, सो यू कैन सी लेफ्ट साइड में ये स्नेक का स्किन है। दिस इज रसल वाइपर है यहां पे। इसको फोबिया है थोड़ा रेप्टाइल से। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहे थे सांप, लेकिन हाँ एंट्री करते टाइम मेरे को बहुत वो लग रहा था, तारा खींच के ही। और मुझे ये देखो कितना बड़ा पाइथन है ये वाला शायद। सो फाइनली आज हमने बहुत सारे, मतलब मोस्टली सारे एनिमल्स कवर कर लिए। दूसरा सही तारा सही कर रही स्टार्टिंग में, जो दिल्ली वाला जू है उसमें पता नहीं इतने सारे एनिमल्स या तो दिखते नहीं है या फिर हम जाते नहीं, पता नहीं क्या है। हम थक जाते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है ग्रीनरी बहुत ज्यादा है और बहुत ही वेदर भी ठीक है, इतनी धूप नहीं है। हाँ। तो हमने आज बहुत कुछ देख लिया। एग्जिट करते हैं क्योंकि लेट हो रहे, 12:30 बस पहुंचना था हमारे को। सो फाइनली हमारा मैसूर का जू का पूरा ट्रैवल हो चुका है, फटाफट भागते भागते और हमारा एग्जिट पे पहुंच चुके हैं। और ये जिराफ, जिराफ ही बोलते हैं इनको। We have covered Zoological Park Garden of Mysore and it was our wonderful experience. For the first time, जैसे लगता है zoo में हमने सारे animals cover किए हैं। मतलब अगले क्या होता है, थक जाते हैं तो रहते हैं यार चल छोड़ना है, next time देखेंगे। But seriously इस बार दौड़ दौड़ के हमने सारे animals cover किए। Actually यहाँ पे ना एक बहुत ही important factor आया time का। बस वाले ने बोला था 12:30 तक पहुंचना है, तो हम फटाफट कवर कर रहे थे, इसलिए कर लिया। अगर खुद से रूम में जाते हो धीरे धीरे 2 घंटा 1 घंटा बैठे ये वो करते करते, फिर एंड में पता लगता बहुत सारी चीज़ हुई नहीं। और अभी बाकी कुछ लोग हैं जो अभी नहीं आए, तो हमारी बस नहीं चल रही है, सो दैट अब हम इसके बाद वैसे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे दैट इज चामुंडा हिल्स वहाँ जाएंगे एंड देन वी विल हैव आवर लंच ब्रेक। दिस इज अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, दिस इज प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट and we are here for a lunch and mein north aur south dono khana mil jayega। yes and we will take half an hour for lunch and we are really very hungry। bhanu mujhse pure raste bol raha tha yaar tara bahut bhook lag rahi hai bahut bhook, finally we got the place and now we'll eat here। you get everything, north indian punjabi thali, south indian thali। here at Annapurna restaurant yahan bahut bhid ho gayi, jab hum aaye the to khali tha par mujhe lag raha hai buses mein buses back to back aayi aur lunch time mein hai to ab bahut bhid ho chuki hai। और हमारे पास एक पंजाबी और एक नॉर्थ इंडियन, हमने एक पंजाबी और एक नॉर्थ इंडियन थाली ऑर्डर करी है और ये लड़का आज बहुत भूखा है बहुत देर से। फाइनली नॉर्थ इंडियन खाना मिल गया भाई, और क्या चाहिए। चामुंडी हिल्स टेम्पल एंड यू कैन सी धूप बहुत तेज़ है, पर आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, सो वी आर फीलिंग सो ब्लेस्ड कि आज हमें यहाँ पे आने का मौका मिला। एंड बहुत ही सुंदर टेम्पल है, बस हम अंदर जाने वाले हैं।
देख सकते हो बहुत ज़्यादा धूप है और पीछे मेरे टेम्पल दिख रहा है। एंड ये जो स्टैचू है, ये स्टैचू नहीं बोलूँगी, प्रतिमा बोलूँगी, ये महिषासुर। और मैंने भानु को भेजा है कैप लेने के लिए क्योंकि बहुत धूप है और ये भानु आ एंड ही गॉट माय कैप। कौन सी चाहिए? येलो वन। नाउ वी बोथ आर रेडी टू मूव इनसाइड टेंपल, लेट्स गो। भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत ज्यादा है, सो बस हम जाते हैं, देखते हैं। आई होप तारा ने आपको महिषासुर तो दिखाई दिया। हां वो मैंने दिखा दिया और बस हम आगे टेंपल की तरफ जा रहे हैं और हम पूरा एरिया कवर करते हैं और धूप बहुत तेज है सो हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। गाइस अंदर शायद वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं होगी तो हम आपको यहीं से दर्शन करा देते हैं। दिस इज श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल जो कि 8 शक्तिपीठ में से एक है और जो कि बहुत ही सुंदर टेम्पल है। एंड वी आर ब्लेस्ड कि हम यहाँ पर आज फर्स्ट नवरात्रि को प्रेजेंट है। मैरिज हॉल है, यहाँ पे शादियाँ होती होंगी और ये हम जा रहे हैं टूवर्ड्स टेम्पल। धूप बहुत तेज है क्योंकि हम ऊटी से आए हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा ट्रांजिशन लग रहा है ऑल ऑफ अ सडन। बहुत ज्यादा मुझे सर चकरा रहा है वैसे, तभी मैं टोपी भी पहन ली है। बट वी आर फुल रेडी, वी हैव कैप, वी हैव गॉगल्स। और वो स्पेशल लाइन भी बहुत लंबी है, वो पता नहीं अंदर से कितने टर्न लेकर के अंदर पहुंचेंगे। तो लेट्स ट्राई, देखते हैं दर्शन कैसे होते हैं, लेट्स गो। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ क्योंकि भीड़ तो बहुत ज्यादा ही है और मुझे भी दिख नहीं रहा कि स्क्रीन में क्या रिकॉर्ड हो रहा है। बट या दिस इज द मेन एंट्रेंस, लुक एट द टेंपल। जय माता दी, जय माता दी। और सही में यार इतना अमेजिंग लग रहा है, आज पहला नवरात्रा है और हम माता रानी के दरबार में आ चुके हैं। बहुत सुंदर, सच में बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और ये ऐसा था कि बाहर का देख भी सकते हो आप, कहोगे की प्लानिंग वगैरह कुछ प्लानिंग नहीं थी, इट वाज जस्ट लाइक कि हमारा प्लान बना यहाँ पे आने का और हम आ गए। एंड टुडे फर्स्ट नवरात्रा। रॉयलिटी फील करने के लिए एंड दिस इज आवर टिकट। क्या पता हम भी पिछले जमाने में राजा महाराजा ही हो। मैं तो था ही बाकी तुम। तो आपका स्वागत है मैसूर पैलेस में तारा। आपका भी लाइए और आइए। मुझे तो ये बोलना है कि यार हमारी इंडिया की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ही वैरायटी वाली है। आप नॉर्थ में देखोगे तो फिर हमारे महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान मिलेंगे, साउथ में मैसूर में इतने सारे हैं हमारे चोला साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य, तो बहुत अच्छा है। और यू नो स्ट्रक्चर की भी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी वैरायटी ना बहुत ज़्यादा है, जैसे अभी सामने दिख रहा है हमारे को बिल्कुल फ्रेंडली। पैलेस एंट्री, जूते चप्पल उतार के आओगे तो डायरेक्ट एंट्री ले लोगे, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है संडे के दिन। सो दिस इज द ग्रैंड एंट्री ऑफ मैसूर पैलेस और भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज संडे है। लगता नहीं कि अंदर कुछ ज़्यादा कुछ बोल पाएंगे या फिर बोलेंगे तो सुनाई भी पड़ेगा। दिस इज द मेन एंट्रेंस और तारा ने अभी अभी बताया कि यहाँ पे ये जल गया था पैलेस, राइट? पहले जल गया था, दोबारा रीबिल्ड हुआ है। हर
बहुत ज़्यादा थक गए हैं और मेरी बैक में पेन सर चालू हो गया बहुत, तो हम आधा मतलब देख कर गए लेकिन इतनी भीड़ थी कि फिर हम यहाँ पर आके भी बैठ के रेस्ट कर रहे हैं पैलेस में, क्योंकि सीरियसली बहुत ज़्यादा भीड़ थी और अभी भीड़ को रोक भी दिया गया था क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन अंदर बहुत भीड़ हो गई थी। बट अभी दूसरा फैसला अभी चालू किया अंदर जाना, अभी रोक दिया था अंदर जाना, मना कर दिया था। पर चलो हमारा सब कुछ भगवान की दया से टाइम पे हो रहा है तो हम बाहर आके अभी बैठे हैं रिलैक्स कर रहे हैं। तो अभी हमारी ऑलमोस्ट एंडिंग टूवर्ड्स वाली जर्नी में ये सेंट फिलोमिना श्राइन यानी कि एक कैथेड्रल चर्च है ये, वहाँ पर आए हैं एंड साउथ इंडिया इम्पोर्टेंस के व्यू से थर्ड साउथ इंडिया का मेन चर्च, नंबर वन इज गोवा, सेकंड इज केरला एंड थर्ड इज इन मैसूर। और ये सेंट फिलोमिना चर्च है जो कि बनाया गया था मिस्टर वाडियार जी ने बनवाया था, नाम पूरा भी मैं बता दूं आपको, 1933 में बनवाया था और तारा बता रही कि काफ़ी अच्छा है अंदर से। तो सेंट फिलोमिना चर्च के बाद अभी हम जाएंगे टीपूस पैलेस, फिर टीपूस डेथ जहाँ पे हुई थी वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद हमें एक टेंपल है वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे वृंदावन गार्डन जो कि लाइटिंग के लिए फेमस है। तो ये जो पीछे ये तो हो गया, मैं एक्साइटेड हूँ वृंदावन गार्डन की लाइटिंग के लिए। आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज दैट गार्डन और जिसकी जो लाइटिंग है वो बहुत ही फेमस है और रात में कहते हैं बहुत सुंदर लगता है। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट ओनली। हमने देखा था ना वहाँ पे कि उसकी फैमिली की बॉडी को जब पहचानती है वो यहाँ पे मिली। मेरे बाय द वे 50 रुपये की एक टिकट है तो यार इस हिसाब से तो बाकी अच्छी होनी चाहिए काफ़ी, बाकी देखते लाइटिंग कैसी है। ये है एंट्री पॉइंट वृंदावन गार्डन्स का और हम आ गए हैं क्योंकि हमारे पास टिकट्स ऑलरेडी अवेलेबल थी। क्यों तारा तुमने ऐसी कौन सी रिश्वत खिलाई यहाँ पे जो तुम्हें टिकट मिल गई? स्मार्ट थिंग, हमने अपने बंदे बिठा रखे थे जिन्होंने हमारे को टिकट दिलवा दी है तो हम आ चुके हैं फटाफट, अब एक्सप्लोर करते हैं वृंदावन गार्डन्स। कृष्ण राज सागर डैम है, KRS डैम। तो पीछे ही हमारे KSR डैम है, कृष्ण राज सागर। यस, और ये काफी बड़ा डैम है, मतलब इसकी आप विड्थ देख सकते हो और जो पानी है उसकी गहराई भी बहुत ज्यादा है। दिस इज सो ब्यूटीफुल ना, द एक्सपीरियंस इज वेरी प्लेजेंट हियर ओवर KRS डैम। बहुत काम सी वाइब्स आ रही है और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और भानु को भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। कावेरी रिवर पानी और बहुत ही पवित्र नदियों में से एक है हमारी धरती के लिए, हमारे भारत के लिए, तो वी शुड प्रणाम द रिवर। तो दिस इज़ दी होटल जो अभी हमारे वे में पड़ा है और मैसूर की जर्नी ख़त्म है, बहुत बढ़िया है। एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जो हमारे नॉर्थ इंडिया में बस ड्राइवर ढाबे पे रोकते हैं ना बहुत महंगे होते हैं और उनका टेस्ट और हेल्थ के मामले में बिल्कुल ही बेकार होता है, और यहाँ पे ये देखो और टेस्ट तो अच्छा है ही है, हेल्थ के मामले में भी खाना अच्छा है, प्लस रेट भी उतना हाई नहीं है। लेट्स सी तारा ने क्या ऑर्डर करा है। तारा तुम पहले से बैठी हुई हो यार यहाँ पे? ग्लासेस हैव अराइव्ड, प्लेट्स हैव अराइव्ड and we are going to devour the veg biryani. So now we are just going to have our dinner kyunki bahut zyada bhook lag rahi hai, humne din mein sirf lunch hi kiya tha and you can see the interior is so beautiful aur main highway pe hai and this place is so nice. मुझे तो एक्चुअल में बहुत अच्छा लगा, प्लस यहाँ पे ना हेल्दी खाना है, नॉर्थ इंडिया के ढाबे में महंगा होता है और हेल्दी भी नहीं होता, तो इसी के साथ
तारा कुछ कहना चाह रही है आज से? सो टुडे डे वाज वेरी मच हेक्टिक, बट आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया. लाइक डे फुल ऑफ एडवेंचर थिंग्स, हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली. और जो कि वन डे में इट वाज लाइक खुद से शायद नहीं कर पाते, बट इट वाज लाइक बस ट्रिप, और जिसमें हमने इतने सारे लोगों के साथ ट्रैवल किया, वो टाइम बाउंडेशन के साथ और सब कुछ. इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड विद दिस एक्सपीरियंस वी आर जस्ट एंडिंग आवर डे हियर. टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, स्टे अमेजिंग, टेक केयर. और ये है हमारी रात की सवारी.